सो इंटीग्रल ऑफ, हम इरेशनल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, दैट इस टाइप का हमारे पास अगर इंटीग्रल होता है जहाँ पर पी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है और क्यू हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल जैसे ए एक्स प्लस बी, हमारा ये हमारा पी है मान लीजिए कैपिटल पी, दैट इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन एंड दिस वन इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन को हम वन अपॉन टी ले लेंगे. ओके तो एक ये क्यों लेते हैं, दैट हम ये अंडरस्टैंड करेंगे हम क्वेश्चन से. क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि व्हाई एग्जैक्टली वी नीड टू टेक दैट ए एक्स प्लस बी एज अ रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन. ओके सो एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रल ऑफ दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन. ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि ये हमारा इस फॉर्म का हमें मिला, देयरफॉर डायरेक्टली हमें सब्सिट्यूट कर देना है लीनियर एक्सप्रेशन को एज अ रेसिप्रोकल, देयरफॉर एक्स प्लस वन विल बी वन बाई टी. जैसे यहाँ पर हम ए एक्स प्लस बी को वन अपॉन टी सब्सिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देर इज नो प्रॉब्लम. सो एक्स प्लस वन को हमने अगर वन बाई टी लिया, देयरफॉर माई डी एक्स विल बिकम माइनस वन बाई टी स्क्वायर, जस्ट डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी टी. सो दिस विल बिकम माइनस वन बाई टी, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर. सो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे वन बाई वन. वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज वॉट, माई एक्स प्लस वन इज वन ओवर टी, क्लोज द ब्रैकेट. ओके एंड स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन, वॉट इज माई एक्स स्क्वेयर, वॉट इज माई एक्स फर्स्ट, वन बाई टी माइनस वन. सो वन बाई टी माइनस वन बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वेयर इट इज स्क्वेयर एंड माइनस वन. एंड वॉट इज माई डी एक्स, इट इज माइनस वन बाई टी स्क्वेयर डी टी. वॉट विल हैपन, ये टी हमारा ऊपर चला जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. ओके तो ये टी हमारा ऊपर जाके क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू टी ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर दैट दिस टी एंड दिस वन टी विल बी कैंसल्ड. सो ओनली नेगेटिव विल बी कॉमन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बिकम इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी. एंड लुक एट दिस वन, इसका हम एलसीएम लेते हैं प्रॉपरली ताकि गलती ना हो. तो वन इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज वन माइनस टी इट इज होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इट इज ऑल्सो माइनस वन. सो दिस विल बिकम डी टी. फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा माइनस वन ओवर टी इंटीग्रल ऑफ दिस वन, फिर से एलसीएम लेंगे इसका, तो टी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो इट इज स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस टी होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. और जब हमने ये टी स्क्वायर यहाँ लिया तो ये नीचे था तो ये टी बन के ऊपर चला जाएगा, या फिर मैं यहीं लिख सकता हूँ और इस टी को कैंसिल कर सकता हूँ डी टी. नाउ दिस विल बिकम, अब क्या हमारे पास बचेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस टी स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट. देखिए कितना सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन हो गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, सो ओनली वन माइनस टू टी. नाउ इट विल बी वेरी इजी टू हैंडल बिकॉज इट्स अ डिफरेंट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन. सो लेट अस लुक एट दिस वन, वन माइनस टू टी टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ डी टी, दिस विल बिकम नेगेटिव वन माइनस टू टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन, दैट विल गिव यू हाफ एंड नीचे भी माइनस हाफ प्लस वन दैट विल गिव यू हाफ. और माइनस टू टी क्योंकि वन माइनस टू टी को आप यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वन माइनस टू टी को आप यू सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर माइनस टू डी टी विल बिकम डी यू, देयरफॉर डी टी विल बिकम डी यू बाई टू विद अ नेगेटिव साइन. ओके सो दिस विल बी माइनस टू हियर. नाउ दिस विल बिकम वन माइनस टू टी टू द पावर हाफ एज अ वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. नाउ वॉट यू वॉन्ट, यू वॉन्ट टू सब्सिट्यूट टी अगेन. अब टी को हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स प्लस वन. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी वन माइनस टू, टी को हम सब्सिट्यूट करेंगे, दैट इज टी इज वॉट वन ओवर एक्स प्लस वन बिकॉज एक्स प्लस वन इज वन बाई टी, देयर फोर टी इज वन ओवर एक्स प्लस वन, देयर फोर टू अपॉन एक्स प्लस वन. नाउ लेट अस लुक एट दिस वन. ओके
एन प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स, और ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, तो ये किस तरह सिंप्लीफाई होगा, जस्ट एलसीएम ले लेंगे, माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ प्लस सी, दैट इज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस टाइप के इंटीग्रल जिसमें एक्सप्रेशन हमारे कभी लीनियर हो कभी क्वाड्रेटिक हो, तो उनके लिए एक सेट पैटर्न है, वो इस तरह का पैटर्न है। तो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट व्हाट काइंड ऑफ इंटीग्रल इज गिवन एंड हाउ यू कैन ईजिली सिंप्लीफाई इट। ऑल राइट।